हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशांत शुक्ला, जंगल बॉय निशांत शुक्ला, और हम खुटार में आ चुके हैं एक स्नेक रेस्क्यू करने। कॉल किसने किया था? छोटू सिंह ने कॉल किया था। तो आइए देखते हैं कौन सा सांप है, रेस्क्यू करते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। आइए। ये कोबरा ये ब्लैक कोबरा, इंडियन ब्लैक कोबरा, तो इसे रेस्क्यू करते हैं। दिखाइए पास से, बस 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 इसे रेस्क्यू करते हैं। आइए भैया, दिखाइए टॉर्च। लाइट बोलो देखिए। तो ये है बिग साइज कोबरा, इसकी लेंथ 5 फीट होगी। तो चलिए इसे पैक करते हैं और इसे रिलीज करेंगे। एक बोरी दीजिएगा, बोरी दे बेटा। बहुत अग्रेसिव लग रहा है काटने के फुल जुगाड़ में। तो रिलीजिंग टाइम में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ लाइटिंग कम है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि आपने देखा कि हमने थोड़ी देर पहले एक गांव कुटार से स्नेक रेस्क्यू किया, इसमें ब्लैक कोबरा है। तो आइए इसे रिलीज करते हैं और इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं।
ये कंप्लीट 5 फीट का होगा, इंडियन ब्लैक कोबरा, काफ़ी फुर्तीला भी है। ये सांप आपके घर में चूहे खाने घुस जाते हैं और गलती से पैर पड़ जाने पर आपको काट लेते हैं, अन्यथा ये सांप कभी भी आपको जानबूझकर कभी नहीं काटते हैं। या कि आप इनके साथ छेड़खानी करेंगे तब भी ये आपको काट लेंगे। ये जाने के मूड में है। और इंडियन ब्लैक कोबरा, अगर आप इसे अच्छे से देख पा रहे हैं तो इस सांप में न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का जहर पाया जाता है जो काफ़ी घातक है। इसके काटने पर आपकी 4 घंटे में मृत्यु हो सकती है। इसके काटने पर आप मैक्सिमम 4 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। इंडिया में टोटल 276 प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं, जिसमें से ये टॉप पर जहरीले में इसका नाम गिना जाता है। इसके ऊपर होता है कॉमन क्रेथ, इससे भी ज़्यादा जहरीला होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे रिलीज करते हैं इसके आवाज़ पर, जहाँ ये स्वतंत्रता से अपना शिकार कर सकता है और जीवन यापन कर सकता है। ये जाने के मूड में भी है, तो आइए इसे रिलीज करते हैं। यहाँ दिखाइए, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन ब्लैक कोबरा ये काफ़ी जहरीला होता है, तो इसके काटने पर आप बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हॉस्पिटल जाएं। अपने मानपुर में सरकारी हॉस्पिटल है जहां आप जा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। और इसके काटने पर कभी भी घबराएं नहीं, और घबराने से ही जान जाती है, जान जाने के आपके कई चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ओझा घुनी, किसी भी प्रकार का ओझा घुनी का सहारा नहीं लेना है। तो ठीक है मित्रों, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट और जय हिंद।